पैनिक अटैक और फोबिया यह बीमारी के लिए सम्मोहन उपचार का यह सेशन है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मैं सम्मोहन उपचार का सेशन करने वाला हूँ। उसमें मैं बार बार कुछ शब्द बोलते जाऊँगा, उसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक बोलूँगा मैं रिलैक्स, तो रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, ढीला करना, एकदम छोड़ देना, लूज करना, रिलैक्स। फिर बार बार बोलूँगा मैं स्लीप। स्लीप का मतलब ऐसी कल्पना करना है कि घर पे अपन बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है, स्लीप बोलूँगा तब। और मैं जब डीप बोलूँगा, डीप इसका मतलब होता है गहरा। डीप मतलब आप अंधेरी गुफा में, अंधेरे में अंदर जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और अंधेरी गुफा में आप अंदर जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है। तो ये तीन शब्द है। हाथ जो अपने हैं वो हाथ ऐसे फिक्स करना है, उसमें उंगलियाँ और पैरों के पंजे जो है वो पंजे भी ऐसे क्रॉस करके रखना है और आराम से बैठना है। आप दीवार को कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं ताकि सिर को पीछे से दीवार का सहारा मिल सकता है और आप रिलैक्स बैठ सकते हैं एकदम आराम से। तभी मैं चालू कर रहा हूँ। कमरे में ऐसा बहुत मंद प्रकाश होना, बहुत ही हल्का सा प्रकाश होना है। फ़ोन बंद कर देना है, कोई आवाज़ नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऐसा करो और आराम कुर्सी पे बैठो, लेट के करने का नहीं है। चालू करते हैं, आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, अंगूठे, पंजे, पूरे पैर, तलवे रिलैक्स 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 हो गए। घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए। दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए। पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया। कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई। पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई। सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया। कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए। दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स 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 हो गए। गर्दन रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए। आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलके रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई। माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया। पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया। बदन रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, शरीर रिलैक्स। एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो। आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। मैं भी 1 से 10 तक गिनती करूँगा। जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी, वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
छे सात आठ नौ दस एंड नाउ स्लीप 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 डीप आप गहरी गहरी संपूर्ण अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो। आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 संपूर्ण अवस्था में जा रहे हैं। रिलैक्स 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 स्लीप 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 डीप। मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है। वह सूचनाएं अपने रोज के जीवन में, अपने रोज के व्यवहार में अपनाने की है। जब जब आप पैनिक अटैक या फोबिया की सिचुएशन को फेस करेंगे, जैसा कि उस समय आपको तकलीफ होती है, सीने में धड़कन, हाथ में थरथराहट, घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा बहुत घबराहट और चिंता हो जाती है, ऐसे कभी सिम्टम आपको जभी जभी होते जाएंगे। जिस वातावरण में आपको सिम्टम ऐसे होते जाएंगे, उस वातावरण में आप अपने आप को टोटली रिलैक्स कर सकोगे जितने अभी रिलैक्स हैं। उस वातावरण में पूरा बदन शरीर पूरा रिलैक्स 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 हो जाएगा, पूरा बदन रिलैक्स रिलैक्स हो जाएगा। पैनिक अटैक या फोबिया की कोई भी स्थिति हो या कोई भी इसके सिम्टम्स है, जैसे कि हाथ थरथराना, घबराना, बेचैनी, मर जाऊंगा ऐसा डर लगना, बहुत घबराहट, भय निर्माण होना, कोई भी चीज़ का हो, तो ऐसे जब भय बहुत ज़्यादा निर्माण हो जाता है, बहुत डर लगता है, बहुत डरावना ऐसा महसूस होता है, इमोशंस बहुत ही फियरफुल हो जाते हैं, तो आप अपने आप को पूरा रिलैक्स 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 करेंगे। आपको सिचुएशन विजुअलाइज करना है और रिलैक्स 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 बोलने का है। अभी आपको सिचुएशन विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है, रिलैक्स कर लेना है अभी मैं जब बोल रहा हूँ। तो फिर आप विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि आप वो सिचुएशन में हैं, वो वातावरण में हैं जहाँ आपको पैनिक अटैक आ गया है या फोबिक अटैक आ गया है, बहुत डरावना सा लग रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, पसीना तर हो रहा है, हाथ थरथरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगा, अटैक आ जाएगा, ऐसा कुछ भी डर लगता है, उस समय आप अपने आप को एकदम रिलैक्स 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 महसूस कर रहे हो। जस्ट कल्पना करो आप कि वैसा हो रहा है और अपने आप को आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो। कोई भी पैनिक अटैक या फोबिक सिचुएशन में आप को ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, डरावने सिम्टम, सीने में धड़कन, पसीना, हाथ पैर थरथराना, डर लगना, अटैक हो जाएगा आ जाएगा ऐसा लगना, बहुत ही डर भय लगना, ऐसा जब सिचुएशन आपको हो जाएगा, तब ऐसी कल्पना करो अभी आप कि वैसा हो रहा है और आप अभी अपने आप को एकदम रिलैक्स 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 महसूस कर रहे हो। जब भी आपको वैसा होगा वो सिचुएशन में आप एकदम रिलैक्स 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 महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी पैनिक अटैक या फोबिया का आप आत्मविश्वास से सामना कर सकोगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी पैनिक अटैक या फोबिया का आप आत्मविश्वास के साथ में सामना कर सकोगे।
अभी आपको ये देखना है कि आपको वो ऐसा अटैक आ रहा है और आप आत्मविश्वास से उसका सामना कर रहे हैं, ऐसे भी कल्पना करना है। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कोई भी पैनिक अटैक या फोबिया का आप आत्मविश्वास के साथ में सामना कर सकोगे। अभी मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, यह 2 मिनट के समय में आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है। जैसा आईने में देखते हो वैसा अपने आप को विजुअलाइज करो, अपने आप को इमेजिन करो। ऐसा विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आपको पैनिक अटैक आया हुआ है, वो सिचुएशन में आप है, आपको पैनिक अटैक आ गया है या आपको फोबिया हो रहा है और आप बड़े शांति से रिलैक्स होके उसका सामना कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स होकर उसको महसूस कर रहे हैं। अटैक आ रहा है और आप रिलैक्स, ऐसा देखना है। अभी आपको ये भी देखना है कि आप एकदम अच्छे हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसे आप अच्छे बन गए, बहुत ही साहसी, बहुत धीरज वाले, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वास, ऐसे व्यक्ति आप बन चुके हैं, ऑलरेडी डन डील। और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, एकदम आप अच्छे हो गए, ऐसा अपने आप को आप इमेजिन करना है। वैसा इमेजिन करो कि आप अच्छे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बेस्ट। मैं अभी 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था धीरे 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 खुल जाएंगी और आपको जाग आ जाएगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। 3, आपकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है, आपको जाग आ रही है। 2, आपकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है, आपको जाग आ रही है। 1, उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, बहुत ही फ्रेश लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर करो, जिनको जिनको ये प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है, फोबिया का प्रॉब्लम है, तो इनको शेयर करेंगे ना लोग और देखते जाएंगे ना तो लोग अच्छे हो जाएंगे। कम से कम रोज 3 से 4 बार आप ये वीडियो सुनते हैं और वैसा करते हैं एक्सरसाइज, तो मुझे पक्का विश्वास है कि 4 से 6 महीने में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में बार 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 अफर्मेशंस, सूचनाएं, आत्म सुझाव वहाँ घुस रहा है अंदर वो, और वहाँ से आपको एकदम बहुत ही राहत मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।